तो बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें से अब सेम ही क्वेश्चन है जैसे लास्ट वाला हमने किया था 5th क्वेश्चन। तो देखते हैं अब इसमें क्या क्या है। इसमें पैरामीटर भी दिया हुआ है जैसे लास्ट क्वेश्चन था, एक ट्रायंगल दिया हुआ है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, इसमें हमें एक साइड दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, तीसरी साइड हमें एक गिवन नहीं है। ए के लिए इन्होंने क्या किया है कि हमें पैरामीटर दे दिया है। जब पैरामीटर दे दिया तो पैरामीटर इक्वल टू हम जानते हैं पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैरामीटर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में सी। हम यहाँ से इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पैरामीटर हमारे पास दे दिया है गिवन है 30, और ए दिया नहीं है, बी का दिया हुआ है और सी का साइड दिया हुआ है। जब दो साइड हमें ये हैं तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, 30 ए और प्लस 24 हो जाएगा। अब इसको हम इधर ला के माइनस कर लेते हैं 30 से, 30 माइनस में 24 इक्वल में ए, ये कितना आ जाएगा, ए इक्वल में 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें जब ए गिवन हो गया तो हम वैल्यू एस में रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं सेमी पैरामीटर से। ठीक, तो निकालते हैं। तो हमारा आ गया ये 15 सेंटीमीटर, तो लिख देते हैं 150 लगे। ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गई। जैसा कि हमें पता है कि जब पैरामीटर इतना है तो हमारा सेमी पैरामीटर निकालेंगे, जब हमारे जो वैल्यू आएगी उन तीनों साइड की वैल्यू उसको जोड़ने के बाद हमारे पास कितना हो, तो पैरामीटर के बराबर होना चाहिए। तो वहां से हमने इसको डिवाइड कर लिया, अब ये हमारा आ गया 15 15 आ गया। तो हम ट्रायंगल का फॉर्मूला रख के एरिया निकाल सकते हैं। एस एस माइनस में ए, एस माइनस में बी एंड एस माइनस में सी। अब वैल्यू पुट करते हैं। फिफ्टीन ब्रैकेट में 15 माइनस 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, ये हमारा आ जाएगा। इसको 15, इसको माइनस किया तो हमारे पास 9, और 3 × 3 दैट्स। अब हम जैसा कि जानते हैं अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए हमें एक पेयर की जरूरत होती है, तब तो हम सिंगल डिजिट बाहर निकालेंगे जब उसका पेयर होगा। अब यहाँ पे है, या तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक ही पेयर है दूसरे तो है नहीं, या तो 9 को हम फैक्टर में कर लें, दोनों में से हमारे पास एक ही कंडीशन है। तो ईजी ये होगा कि हम 3 को मल्टीप्लाई करके 9 का फैक्टर बना लेते हैं। ये अंडर रूट में 15 आ गया, 9 को हमने बाहर निकाल लिया तो अंडर रूट में हमारा 15 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। और किसी क्वेश्चन की अगर वीडियो आपको चाहिए बेटा, समझ में नहीं आता, या आपके जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता जिस चैप्टर का भी, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वो वीडियो देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, जल्द से जल्द हम देंगे। ठीक है, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर लेना है। सब्सक्राइब करने से आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो भी वीडियो हम डालेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।